मारीना संदेश राई। थाना दक्षिण टोला और थाना कोतवाली में जो घटना घटित हुई थी, इसमें 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। लगभग 650 लोग उसमें अज्ञात थे। 110 लोगों की उसमें से जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुई, हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, वीडियो सर्विलांस टीम, जो सीसीटीवी कैमरा प्लस पुलिस के जितने कैमरा थे प्लस अन्य स्रोतों से जो भी वीडियो फुटेज प्राप्त हुई है, उसमें से लोगों के पासपोर्ट साइज के फोटो डेवलप करके 110 लोगों की एक एल्बम तैयार की गई है, जिनको जनपद पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जाना है और जो कि वेरीफाइड है कि ये लोग उस घटना में शामिल थे। इनका एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें सभी 110 लोग का पोस्टर है। उसमें पुलिस के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जिन पर आप संपर्क करके इनके बारे में सूचना दे सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा सम्मान किया जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा और उचित पुरस्कार भी आपको दिया जाएगा। लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन लोगों को चिन्हित करने में पुलिस की मदद करें और जल्दी से चिन्हित करने में मदद करें, क्योंकि जितना जल्दी चिन्हित होंगे उतना जल्दी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इनको जेल भेजा जाएगा और जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये बहुत ही सहयोग होगा जनता का हमारा। कप्तान साहब, जो संपत्ति जो जली हुई है उनका भी आकलन किया जा रहा है, अभी हुआ कि नहीं? संपत्ति का आकलन किया जा रहा है इसमें, क्योंकि अलग अलग प्रकार की संपत्तियाँ हैं, जो वाहन है उनका SIMT के द्वारा किया जाता है। इन सबको जो टेक्निकल स्टाफ है उनको एक टास्क दिया गया है और 27 तारीख हमारी इसमें डेडलाइन है कि 27 तारीख तक हम लोग फाइनल आकलन कर लें कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो चिन्हित ऐसे उपद्रवी हैं जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है उनसे इसकी वसूली कार्रवाई भी की जाएगी। क्या सफेद पोषों को भी चिन्हित किया जा रहा है? इसमें सफेद पोष या अन्य किसी पोष का एक स्पेसिफिक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग शामिल हैं घटना में, चाहे वो सफेद पोष हो चाहे सफेद पोष ना हो, क्योंकि जिसने घटना की है उसने दंडता की है और चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो कितना भी छोटा आदमी हो, उसके लिए दंड उतना ही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।